नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट चल रहे हैं हम लोगों के, लगभग ख़त्म होने को हैं। हम क्या शुरू किए हैं, डाइसैकेराइड शुरू किए हैं, मोनोसैकेराइड्स हम पढ़ चुके हैं, डाइसैकेराइड्स चल रहे हैं। आपके सिलेबस में केवल तीन ही डाइसैकेराइड्स हैं, सुक्रोज, और हम जो पढ़ चुके हैं कल माल्टोज, और एक और बचा हुआ है लैक्टोज। ठीक है, उसे हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लैक्टोज को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बचेंगे आपके केवल पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च और सेलुलोज है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद केवल एक वीडियो और, उसके बाद आपके ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं डाइसेकेराइड, हमने सुक्रोज पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैक्टोज। लैक्टोज, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं मिल्क शुगर, लैक्टोज या मिल्क शुगर, लैक्टोज, या इसको क्या कहते हैं, मिल्क शुगर, यानी कि दुग्ध शर्करा। इसको मिल्क शुगर क्यों कहते हैं? अरे भैया, आप लोगों ने लैक्टोज का नाम तो सुना होगा ना, जो दूध होता है, मिल्क। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सभी के दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो इसका इसका भी क्या कहते हैं, अणुसूत्र क्या होगा, वही होगा जैसा कि मैंने बताया था, सभी शुगर जो होंगे उनका अणुसूत्र एक ही होता है। तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र वही C12H22O11, क्योंकि ये दो मोनोमर की यूनिट से बनाएगा ना, तो दो इसके जल अपघटन डाइसैकेराइड है, तो इसका जब जल अपघटन करेंगे तो उससे भी हमको क्या प्राप्त होंगे, दो मोनोमर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो C12H22O11 होता है, और यह लिख सकते हैं कि यह किसमें पाया जाता है, जानवरों के दुग्ध में पाया जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, इनके हमें रिएक्शंस वगैरह नहीं पढ़ने डाइसैकेराइड्स में, केवल आपको पूछेगा तो सुक्रोज पर लेख लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा सुक्रोज क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। तो ये किसमें पाया जाता है, इसलिए से जानवरों के दूध में पाया जाता है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो अगर आपको मिल्क से लैक्टोज को अलग करना हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मिल्क से लैक्टोज अलग करना है, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है, तो मैं कहूँ मिल्क से लैक्टोज को अलग करूँ, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, बहुत आसान है। क्या है कि जब आप पनीर बनाते हो, मालूम है कैसे बनाते हैं पनीर, दूध को फाड़ा जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है ना। जब हम पनीर, दूध को फाड़ कर पनीर बनाते हैं, गर्म करते हैं, तो पनीर अलग हो जाता है, और बीच में क्या रह जाता, बचा हुआ क्या रह जाता है, पानी। तो उस पानी में क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो उस पानी के क्रिस्टलीकरण से उसी पानी के अंदर क्या रह जाता है, लैक्टोज रह जाता है। तो अगर हम उसका क्रिस्टलीकरण करें तो वहाँ से हमको लैक्टोज प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे दूध से पनीर बनाने के बाद बचे हुए जो पानी बचता है ना, उसमें से बचे हुए पानी का क्रिस्टलीकरण करवाकर, ठीक है, यानी कि जब पनीर बनाएंगे तो जो पानी बचेगा उसका हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करवाकर, ठीक है, लैक्टोज प्राप्त होता है। वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लैक्टोज के जो क्रिस्टल हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसको प्राप्त करना हो तो हम कैसे प्राप्त करेंगे बता दें, क्योंकि मिल्क में पाया जाता है तो प्राप्ति भी कहाँ से होगी, मिल्क से होगी। तो ये इसका क्या कहते हैं, इसका सोर्स क्या होगा, मिल्क, दूध रहेगा। ठीक है, जैसा कि बाकी सभी शुगर्स में लिखा था, जैसे कि वो सभी क्या होती हैं, श्वेत क्रिस्टली होती हैं, तो ये भी क्या होता है, श्वेत क्रिस्टली होता है, और लगभग जितनी भी शुगर होंगी वो सभी क्या होती हैं, श्वेत क्रिस्टली होती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह कैसा होता है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस शर्करा है,
सारी शुगर होंगी वो वाइट ही होती हैं, वाइट क्रिस्टलाइन होती हैं, ठीक है। अब तक हमने जितनी भी पढ़ी हैं वो सारी कैसी थी, वाइट क्रिस्टलाइन है। तो ये भी कैसी होती है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस शर्करा है ना, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। इसका अगर देखें ये ठोस है तो पिघलेगा, और कितने इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलता है, 203 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, पिघलता है। कितने टेम्परेचर पर पिघलता है, ये 203 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है, पिघलना है। फिर ये किस में, फिर क्या देखते थे हम, विलेयता देखते थे, तो ये किस में विलेय है, वही जैसे बाकी की शुगर थी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। दोनों शुगर में क्या थी, जल में तो विलेय थी, यह जल में विलेय, यहाँ से लिख सकते हैं, यह किस में विलेय होता है, जल में विलेय, किंतु एल्कोहल एल्कोहल व ईथर में क्या होता है, एल्कोहल व ईथर में अविलेय होता है। जैसा कि बाकी की दो डाइसैकेराइड्स भी थी, जल में विलेय किंतु एल्कोहल ईथर में कैसी होती हैं, अविलेय होती हैं, ठीक है। अगर इसको देखा जाए ये कैसा होता है, अगर इसको ओवरऑल देखा जाए लैक्टोज को, तो ये कैसा होता है, डेक्सट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। ये कैसा होता है, लैक्टोज कैसा होता है, प्लस होता है, यानी कि लैक्टोज कैसा होता है, प्लस, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। इसका जल अपघटन करेंगे, जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो लैक्टोज के जल अपघटन पर, जल अपघटन पर हमको क्या प्राप्त होते हैं, मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो लैक्टोज के जल अपघटन पर क्या प्राप्त होता है हमको, एक तो प्राप्त होता है डी ग्लूकोज तथा डी गैलेक्टोज प्राप्त होता है। अभी गैलेक्टोज क्या है, जो मैंने ट्री बनवाया था ना आपको शुगर ट्री, उसमें बताया था गैलेक्टोज कैसे बनता है। ये गैलेक्टोज जो होता है वो बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा ही होता है, बस कहाँ पर डिफरेंस होता है, चौथे कार्बन पर। इसको गैलेक्टोज को हम ग्लूकोज का C4 एपीमर भी कहते हैं, याद है ना मैंने आपको एपीमर पढ़ाए थे, एक तो होता है एनोमर और एक होता है एपीमर। एनोमर तो थे अल्फा और बीटा जो फॉर्म होती हैं ग्लूकोज की, वो क्या कहलाती हैं, एनोमर। और एपीमर में एग्जाम्पल भी कराया था ग्लूकोज और मैनोज, बताया था ना कि ग्लूकोज और मैनोज दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस कहाँ पर डिफरेंस होता है, कार्बन नंबर 2 पर, क्योंकि ग्लूकोज में और मैनोज में केवल एक जगह डिफरेंस मिलता है, कार्बन नंबर 2 पर। स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होती है, OH ग्रुप अलग अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं, C2 एपीमर, क्योंकि वहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर स्टीरियो केमिस्ट्री अलग थी। ऐसे ही ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, आपस में C4 एपीमर हैं, क्या है, C4 एपीमर, यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होगी, कहाँ पर, चौथे कार्बन पर। तो चौथे कार्बन पर इनमें स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होती है, बाकी सब दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इनको C4 एपीमर भी बोलते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या होते हैं, C4 एपीमर होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगा, C12H22O11, जब मैं इसका जल अपघटन करूँगी किसी डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मुझे प्राप्त होगा एक तो D C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि एक तो होगा इसमें से हमारा D ग्लूकोज और एक होगा हमारा D गैलेक्टोज। क्या होगा, एक तो होगा हमारा डी ग्लूकोज और एक होगा हमारा डी गैलेक्टोज, और ये दोनों ही कैसे होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, क्योंकि ये दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, ये दोनों ही क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। इसीलिए ये जो हमारा लैक्टोज है, ये जो हमारा लैक्टोज है, ये खुद भी क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए ये भी क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो ये जो होता है यह परिवर्ती घूर्णन यानी म्यूटा परिवर्ती
घूर्णन यानी कि हमारी म्यूटा रोटेशन, प्रदर्शित करता है, यानी कि इसके अंदर म्यूटा रोटेशन जो होती है वो पाई जाती है। प्रदर्शित करता है क्या? परिवर्ती घूर्णन। इसमें म्यूटा रोटेशन पाई जाती है। अगर म्यूटा रोटेशन पाई जा रही है इसका मतलब ये भी कैसी शुगर होगा, अपचायक शर्करा। इसका मतलब ये कैसी शर्करा होती है? अपचायक शर्करा। जैसे माल्टोज में क्या थी? अपचायक थी ना। सुक्रोज कैसी थी? अनअपचायक, क्योंकि उसका जो OH ग्रुप था वो मुक्त नहीं था, है ना। और माल्टोज में हमने कल देखा था कि वो कैसी थी? अपचायक शर्करा है, क्योंकि उसका OH ग्रुप क्या है? एक रिंग का OH ग्रुप जो है वो मुक्त है। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, एक रिंग का OH ग्रुप जो होगा यानी एल्डिहाइडिक कार्बन जहां पर था, जो OH ग्रुप होगा एनोमेरिक कार्बन, वहां पर OH ग्रुप मुक्त होगा, इसलिए ये परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करता है। तो परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब ये कैसी शुगर होगी? यह है एक अपचायक शर्करा है, यानी कि ये क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, यानी इसका एक OH ग्रुप मुक्त होगा, जैसा कि कल माल्टोज में देखा था। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसकी हावर्त संरचना। हावर्त प्रक्षेपण सूत्र देखते हैं, इसका कैसी स्ट्रक्चर होगी, इसका हावर्त प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसा होगा। इसमें एक तो क्या है हमारे पास? ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज, पहले हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देख लेते हैं। ग्लूकोज तो हम बनाना जानते ही हैं ना, इतने टाइम से बनाते आ रहे हैं, इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली तो ग्लूकोज तो भाई ऐसे ही बना दोगे। ये है CH2OH, OH, 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 OH,
ग्लूकोज है, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो कार्बन है। गैलेक्टोज भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन कार्बन नंबर 4 पर क्या होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होगी उसकी, यानी बना लेते हैं गैलेक्टोज भी। यहाँ पर रहेगा CH2OH, ये है OH, H, यहाँ पर OH होगा इधर, H इधर, बाकी H, OH, H, OH, बाकी तो एज इट इज कार्बन जैसा ही है, बस यहाँ पर कहाँ पर, इसमें कार्बन नंबर 4 पर OH ग्रुप राइट साइड में और इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, ये क्या है, गैलेक्टोज है। इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या होते हैं, एपीमर होते हैं। क्या होते हैं, एपीमर होते हैं, वो भी कौन से, C4 एपीमर हैं। कैसे हैं, C4 एपीमर क्यों है, क्योंकि इसमें चौथे कार्बन पर स्टीरियो केमिस्ट्री अलग होती है। तो अगर ये किस में पाया जाता है, अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसकी दो फॉर्म होती हैं अल्फा और बीटा, तो ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि ये भी तो ग्लूकोज का एपीमर ही है, तो इसका भी अल्फा और बीटा दो फॉर्म होंगी, तो इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनसे बनेगी हमारी कौन, लैक्टोज। तो देखते हैं आगे, इतना समझ में आया, ये दोनों क्या है, C4 एपीमर है। गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर दिखा दी मैंने आपको, जैसे अब ये यहाँ से अटैक करेगा, वैसे ही अब क्या बनाएगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर इस कार्बन पर आकर, तो ये कार्बन जो है दो एनोमर बनाएगा, OH और H, हो सकता है अगर OH यहाँ हो तो ये दो तरह के एनोमर बनाएगा, एक ये बनाएगा अल्फा और बीटा। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो OH ग्रुप है इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर भी एक OH और एक H होगा, तो एक अल्फा फॉर्म बनेगी और एक बीटा फॉर्म बनेगी। वो हमको देखना है कि जब
लैक्टोज का निर्माण होगा तो कौन सी फॉर्म पार्टिसिपेट करती है, अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म? चलिए देखते हैं, बनाते हैं हार्वर्ड सूत्र। देखते हैं यहाँ पर अल्फा फॉर्म होगी या बीटा। तो यहाँ पर देखा गया है कि दोनों की ही बीटा फॉर्म होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों की ही क्या होगी, बीटा फॉर्म यूज होगी। दोनों ही सिक्स मेंबर रिंग बनाएंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, सी एच टू ओ एच, ये सी एच टू ओ एच क्या है, अप। ठीक है, अगर सी एच टू ओ एच अप है तो यहाँ पर ओ एच भी क्या होगा, अप होगा, है ना, ओ एच भी क्या होगा, अप होगा। और अगर ये दोनों अप अप हैं तो ये कौन सी फॉर्म होगी, बीटा फॉर्म होगी। दोनों क्या है, अप अप हैं, एक साइड है, सेम साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, बीटा फॉर्म। अगर ये OH नीचे होता, एंटी होता इसके, ये अप है और ये OH डाउन होता, तो ये कौन सी फॉर्म होती, बीटा फॉर्म होती। तो ठीक है, पहले हम क्या बनाएंगे, बीटा गैलेक्टोज बनाएंगे, पहले हम बीटा गैलेक्टोज बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एच ओ एच, फिर यहाँ पर क्या होगा, ओ एच एच, और यहाँ पर ओ एच क्या होगा, अप आएगा एच। तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, चौथे कार्बन पर ही तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी। अगर ये ग्लूकोज होता, अगर ये ग्लूकोज होता तो ये ओ एच कहाँ होता, अगर ग्लूकोज होता तो ओ एच नीचे होता और एच ऊपर होता, है ना। अभी हम क्या बना रहे हैं, गैलेक्टोज बना रहे हैं, और गैलेक्टोज में चौथे नंबर पर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ग्लूकोज की उल्टी। तो ग्लूकोज में ओ एच नीचे होता है और गैलेक्टोज में यहाँ पर ओ एच कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो ये क्या है हमारे पास, अभी ये है बीटा डी, वो भी कैसा, प्लस गैलेक्टोज है। एक तो हमने बनाया क्या, हमारा गैलेक्टोज बनाया है, तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ग्लूकोज होगा। पहले बना लेते हैं, उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे। ऐसे बना दूं मैं, उल्टा बनाया है, याद रखना। ऑक्सीजन को कहाँ लिया है, नीचे लिया है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये है पांचवा। तो ये सी एच टू ओ एच है। ठीक है, अगर सी एच टू ओ एच यहाँ पर कहाँ बनाया है मैंने, डाउन साइड बनाया हुआ है, तो बीटा फॉर्म में दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, या तो अप अप होने चाहिए या डाउन डाउन होने चाहिए। तो यहाँ पर ओ एच कहाँ आएगा, नीचे आएगा एच, तो ये कौन सी फॉर्म है, बीटा। ठीक है, बाकी का बना सकते हैं हम ग्लूकोज में जैसा था, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर एच अप ओ एच ब्लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा बनाया है तो ओ एच अप हो जाएगा, एच ब्लो। ठीक है, एच अप हो जाएगा, ओ एच ब्लो। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन आएगा, ओ एच और एच। ठीक है, ये उल्टा ग्लूकोज बनाया है मैंने, याद रखिएगा, उल्टा ग्लूकोज, समझ रहे हैं ना। इससे पहले जो संरचना बनाई थी उसमें ऑक्सीजन यहाँ था, तो हम सीधा बना रहे थे, अब उसी रिंग को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। उसी पहले ऑक्सीजन कहाँ था, ऊपर था, तो मैं अगर इस रिंग को ऐसे पलट दूँ ऊपर की तरफ तो ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, तो सारे ग्रुप उल्टे हो जाएंगे, जो अप हैं वो डाउन आ जाएंगे, जो डाउन है वो अप चले जाएंगे। तो मैंने उसी रिंग को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करने की वजह से जो ग्रुप अप डाउन में थे वो तो आ गए अप, और जो अप में थे वो क्या आ गए, डाउन। तो ये बीटा ग्लूकोज ही बनाया है, बस उल्टा करके बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, बीटा डी ग्लूकोज है, और ये भी कैसा है, प्लस है। ठीक है, प्लस डी ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। तो एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है। अब यहाँ पर इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, इनके बीच में क्या बनेगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी इसका ओएच ग्रुप हट जाएगा और ये किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गई, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक क्या बन गई, लिंकेज बन गई। तो यहाँ पर कौन सी लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये वाला जो OH ग्रुप था ये तो अब मुक्त नहीं रहा, ये वाला जो OH ग्रुप है ये तो मुक्त नहीं रहा, और अब ये बीटा गैलेक्टोज भी नहीं रहा, है ना, और ना ही ये अब बीटा ग्लूकोज रहा, क्योंकि अब क्या बन गए, इनके दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गई। तो इसका अलग तरीके से नामकरण देंगे, पहले मैंने बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज क्यों लिखा, ताकि पहले भी लिखाया था ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए और फिर ये पता चले कि कहाँ पर हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाई है और कैसी। तो यहाँ पर चौथे और पहले कार्बन के बीच में, पहले और चौथे कार्बन के बीच में हमने क्या बना दी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दी। तो ये वाले पार्ट में जो OH ग्रुप था, जो हमारा एनोमेरिक कार्बन तो यही है ना, कार्बन नंबर 1, तो इस पर जो OH ग्रुप था पहले मुक्त था, लेकिन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने के बाद अब मुक्त नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो भाग होगा ये कैसा होगा, इसका ये होगा अनपचायक, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन
ये वाली जो रिंग है इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है, ये ना हमारा एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर वन, तो इसमें जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर ओ एच ग्रुप क्या है, मुक्त है, ओ एच ग्रुप क्या है, मुक्त है, इसलिए ये वाली जो रिंग होगी ये कैसी होगी, अपचायक होगी। और इसी रिंग की वजह से, अपचायक रिंग की वजह से हम क्या बोलते हैं कि लैक्टोज ओवरऑल कैसी शुगर है, अपचायक शर्करा है, क्योंकि इसका एक ओ एच ग्रुप क्या होता है, मुक्त होता है, इसीलिए मैंने लिखा था कि ये कैसी शर्करा है, अपचायक सरकरा है। तो इसकी सिक्स मेंबर रिंग वाली स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर ये बना दी तो सिक्स मेंबर रिंग वाली बना सकते हो, बना दो भाई। ठीक है, इस तरह से एक रिंग तो अप बनानी है और दूसरी रिंग क्या बनानी है हमको, डाउन, दिख रहा है ना, एक रिंग कैसी अप है और दूसरे वाली में क्या बनाना है हमको, डाउन बनाना है चेयर फॉर्म में, तो बना लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है भाई, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, तो इन दोनों के बीच में, और कार्बन नंबर 1, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, ये है चौथा कार्बन और इसका है कार्बन नंबर 1, इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज बनेगी, तो भाई बना दो ग्लाइकोसाइड एक लिंकेज, ये बना दी, दोनों अप अप थे ना, तो बना दी भाई अप अप। यहाँ पर एच को कहाँ लगा दिया, ब्लो लगा दिया, बाकी का लगा दो अप। कार्बन नंबर 2 पर एच क्या है, एच है अप, ओ एच क्या है, ब्लो है, ठीक है, यहाँ पर 3 पर क्या है, ओ एच क्या है, अप है, तो ओ एच को अप लगा दिया, एच को ब्लो लगा दिया, यहाँ पर ओ एच क्या है, ओ एच है अप, तो ओ एच को अप लगा दिया, एच को ब्लो लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर सी एच टू ओ एच क्या है, अप है, सी एच टू ओ एच अप है, और यहाँ पर एच क्या है, ब्लो है, लगा दिया भाई। ठीक है, अब इस रिंग में देखें ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 कौन सा, ये है, यहाँ पर एच है अप और ओ एच क्या है, बिलो लगा दिया। कार्बन नंबर 2 पर कौन है, ओ एच अप है और एच क्या है, बिलो, तो एच को तो बिलो लगा दिया और ओ एच को लगा दिया अप, ठीक है, यहाँ पर ओ एच बिलो है, एच अप है, ठीक है, तो एच अप है और यहाँ पर ओ एच क्या है, बिलो है, बाकी तो हमने इसको यहाँ पर जोड़ ही दिया है। तो ये है इसकी चेयर फॉर्म, ये है इसकी क्या, चेयर फॉर्म है इसकी, चेयर फॉर्म। अब इसका नाम दे सकते हैं भाई, दे देते हैं, कौन सी फॉर्म है इनकी दोनों की, इसकी भी बीटा फॉर्म है और इसकी भी क्या है, बीटा फॉर्म है, तो हम दे सकते हैं नाम बीटा, कौन सी फॉर्म है, बीटा डी प्लस होंगे, गैलेक्टो, पहली रिंग क्या है, गैलेक्टोज की है, तो गैलेक्टो पाइरानोसिल, गैलेक्टो गैलेक्टोज से बनी है इसलिए पहले क्या आएगा, गैलेक्टो, सिक्स मेंबर वाली रिंग है उसके लिए लिखते हैं हम पायरान, ठीक है, फिर क्या हो रही है इसके साथ लिंकेज हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पायरानोसिल, क्या लिखेंगे, पायरानोसिल, फिर कौन आएगा, फिर से बीटा डी प्लस, कौन है, ग्लूको है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ग्लूको, कौन सी रिंग है, पायरानोज, पायरानोज, ओज क्यों लगाया, क्योंकि ये कैसी शर्करा है, अपचायक शर्करा है, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा बीटा डी प्लस गैलेक्टो पायरानोसिल, बीटा डी प्लस गैलेक्टो पायरानोज, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है, लिख लिया, तो जस्ट बिकॉज इसका ये जो ओ एच ग्रुप है एनोमेरिक कार्बन पर, ये जो ओ एच ग्रुप है मुक्त है, तो ये कैसी शर्करा है, अपचायक शर्करा है, और अगर अपचायक शर्करा है तो इसका मतलब ये किस क्या कर देगी, कि ये फैलिंग विलयन को, फैलिंग विलयन को अपचयित कर देती है, ये फैलिंग विलयन को क्या करेगी, अपचयित कर देगी, ठीक है। दूसरा क्या, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी अभिक्रिया करेगी, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो करती हैं, माल्टोज में भी देखा था हमने, रिड्यूसिंग शुगर थी इसलिए करती है। तीसरा, अगर इसकी बात की जाए फिनाइल हाइड्राजोन के साथ, तो फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ क्या बनाती है, ओसाजोन,
बनाती है, क्योंकि ये कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और रिड्यूसिंग शुगर है तो ये सारे कार्य ये सब कर सकती है, ठीक है। फैलिंग विलयन को अपचयित भी कर सकती है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या बना सकती है, रिएक्शन कर सकती है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर सकती है। दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा। तो फैलिंग विलयन को अपचयित कर सकती है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया कर सकती है, और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो तीनों डाइसैकेराइड्स थे वो हुए खत्म, यानी कि हमने सुक्रोज पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया, लैक्टोज भी पढ़ लिया, तो मोनोसैकेराइड्स खत्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट कर लिए, डाइसैकेराइड्स कंप्लीट कर लिए, है ना। डाइसैकेराइड्स में हमने तीन डाइसैकेराइड्स को पढ़ा था, कौन कौन से हैं वो, जो कि स्टार्च है हमारा, सॉरी स्टार्च नहीं, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है। इतने ही डाइसैकेराइड्स आपके सिलेबस में। बस डाइसैकेराइड्स के केस में आपको क्या पता होना चाहिए कि इनके जल अपघटन पर क्या प्राप्त होते हैं, दो मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। और वो मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे, देखा था ना, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो किस शुगर के अंदर, जैसे सुक्रोज के अंदर कौन से मोनोसैकेराइड्स थे, और क्या कहते हैं माल्टोज के अंदर कौन से मोनोसैकेराइड यूनिट हमको प्राप्त हुई, और क्या लास्ट हमने क्या पढ़ा था, लैक्टोज, लैक्टोज में हमने क्या मोनोसैकेराइड्स प्राप्त हुई, है ना। इससे पहले हमने लैक्टोज पढ़ा था। अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स, इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड्स को। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, हम जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉली का मतलब बहुत सारे, तो ये सैकेराइड्स जो होते हैं ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। इनमें इतने मोनोसैकेराइड्स यूनिट हैं कि इन्हें गिना भी नहीं जा सकता, यानी कि इनका जब आणुभार कैलकुलेट किया जाता है तो वो लाखों में पहुंच जाता है, लाखों तक भी हो सकता है, यानी कि इनके अंदर जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट हैं उनका पता नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि इसमें एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि ये किससे बनते हैं, ये एन संख्या में मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से प्राप्त होते हैं, जुड़ने से प्राप्त होते हैं। मेरा गला खराब हो गया है, सर्दी बहुत है उसके चक्कर में, ठीक है। इनके अणुभार अगर हम देखें, इनका अणुभार कितना होता है, तो इनके अणुभार जो होते हैं वो हजारों से लाखों तक हो सकते हैं, मतलब कि इनमें कितनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट होंगी ये हम कह नहीं सकते, इनमें बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो अणुभार है वो हजारों से लाखों में पहुंच सकता है, ठीक है। लगभग जितने भी जीव हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं पॉलीसैकेराइड, जितने भी जीव हैं, हम हैं, पेड़ पौधे हैं, या कोई भी एनिमल है, सबके अंदर पॉलीसैकेराइड्स उपस्थित होते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, उसके अंदर भी कौन होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, उनकी छाल है, उनकी पत्तियां हैं, उन सभी में क्या होते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज, ये भी क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, है ना। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये सभी जगह मिला प्राप्त होते हैं, यानी नेचर में हर जगह मिलते हैं। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो ये क्या होती हैं, नॉन शुगर्स होती हैं, अशर्कराएं होती हैं। अब तक हमने जो पढ़ी थी वो शर्कराएं थी। शर्कराएं कौन होती हैं, जो मीठी होती हैं स्वाद में, यानी कि आप एक बार चीनी खाकर देखो, जो आपके चीनी है वो सुक्रोज ही तो है, तो आप चीनी खाकर देखो तो कैसी होती है, मीठी होती है। ग्लूकोज देखो, वो भी मीठा होता है, लेकिन अगर आप इनको खाकर देखोगे तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, फीके होते हैं, यानी कि इनमें मीठा स्वाद नहीं होता, इसीलिए इनको अशर्करा कहा जाता है। तो हम कहेंगे ये क्या कहलाती हैं, अशर्करा, यानी नॉन सुगर्स, नॉन सुगर्स कहलाते हैं, है ना। कभी स्टार्च देखा है ना, मार्केट में आता है स्टार्च का, जब टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में भी टेस्ट करते हैं, तो किससे करते हैं, अरारोट जो होता है ना उससे करते हैं। तो जब अरारोट को अगर आप खाकर देखोगे तो उसमें किसी भी तरह का स्वाद नहीं होता, इसका मतलब जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में फीके होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन शुगर्स होते हैं, इसीलिए इनको नॉन शुगर्स कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल लें, हम क्या कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं स्टार्च, और दूसरा पढ़ने वाले हैं हम सेल्यूलोज, ठीक है। ये दोनों पॉलीसैकेराइड्स आपके सिलेबस में है, हम बारी बारी से इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, हम शुरुआत करेंगे स्टार्च से। जानते हैं कहाँ मिलता है ना स्टार्च, पेड़ पौधों से मिलता है हमें स्टार्च,
ठीक है, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो स्टार्च के रूप में ही क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अगर हम स्टार्च के बारे में देखा जाए तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र कई बार लिखवा चुकी हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, कई बार लिखा चुकी हूँ ना मैं। तो क्या होता है, C6H10 और O5 का होल N, है ना। तो C6H10 O5 का होल N, ये होता है इसका अणुसूत्र। और ये किससे बनता है, ये जो बनता है ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। जब इसका जल अपघटन किया तो प्राप्त क्या होते हैं, हमें सारे अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम, ये क्या होता है, यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। यानी कि इसमें इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, अल्फा ग्लूकोज के मोनोमर इकाइयों के जुड़ने से हुआ है इसका फॉर्मेशन, है ना। तो ये क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। अगर इसके सोर्स की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है सोर्स, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, चावल, आलू। चावल और आलू में स्टार्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जानते होंगे ये बात तो आपने देखी होगी, चावल और आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कहाँ, गेहूँ, जौ, मक्का आदि बहुत सारे सोर्स हैं इसके, अनगिनत सोर्स हैं, आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो सभी से प्राप्त होता है ये, है ना, गेहूँ, जौ, मक्का सभी से प्राप्त होता है। जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं, ये तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, स्टार्च का टेस्ट करते हैं कैसे करते हैं, आयोडीन के साथ करते हैं ना। अगर आयोडीन के साथ स्टार्च का टेस्ट किया जाता है तो ये स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके एक बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। और अगर बैंगनी रंग है तो हम पहचान जाते हैं कि अगर आयोडीन के साथ बैंगनी रंग आया तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, स्टार्च है, है ना। तो उसके अंदर क्या है, स्टार्च है, दिख तो रहा है ना आप सभी को, आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसे, कि यह आयोडीन के साथ क्या करता है, यह आयोडीन के साथ गहरे बैंगनी के साथ गहरा लिखो, गहरा बैंगनी रंग उत्पन्न करता है, है ना। ये तो बहुत ही बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं स्टार्च टेस्ट, स्टार्च क्या करता है, आयोडीन के साथ बैंगनी कलर देता है, तो इससे हम इसका टेस्ट करते हैं ना। तो इसी गुण के कारण ये जो आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, संकुल बनाता है, रंग किसकी वजह से आएगा, स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से इसका रंग आता है बैंगनी रंग। और इसी की वजह से ये किसमें यूज होता है, आयोडोमेट्री में यूज होता है। आयोडोमेट्री में किसके रूप में यूज करते हैं, इसे सूचक के रूप में करते हैं, इसके इसी गुण की वजह से, यानी I2 के साथ संकुल बनाने के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आयोडोमेट्री टार्ट्रेशंस में किया जाता है। ये हिंदी में लिखूं तो आयोडीन मिति किसमें किया जाता है, आयोडोमेट्री, आयोडीन मिति, ठीक है, आयोडीन मिति किसमें, ये आपने शायद आप लोग तो कभी गए नहीं, अनुमापनों टार्ट्रेशंस, सूचक के रूप में होता है। कभी लैब में आपने टेस्ट नहीं किए होंगे, वरना ये जो प्रैक्टिकल है ये आपके सिलेबस में है, इसमें आयोडीन को सूचक के रूप में यूज़ किया जाता है, है ना। आयोडीन मतलब आयोडीन को नहीं, स्टार्च को सूचक के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका अभिलयन बनाया जाता है आयोडीन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशंस, ठीक है। आपने किए नहीं होंगे कभी, ना करेंगे क्योंकि आप लैब में तो जाते नहीं हो, ठीक है। अगर लैब में जाते तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर हम इसको सूचक के रूप में यूज़ करते हैं स्टार्च को, है ना। तो हमारा जो स्टार्च है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हमने बोला कि ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी अल्फा ग्लूकोज तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार्च है इसके दो पार्ट होते हैं, है ना। अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च में कितने भाग होते हैं, या हम लिख सकते हैं स्टार्च में दो भाग
होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है एमाइलोज, एक कौन सा होता है? एमाइलोज होता है, कौन सा? अल्फा एमाइलोज। एक क्या होता है हमारे पास? अल्फा एमाइलोज होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास? अल्फा सॉरी, एक तो होता है हमारे पास अल्फा एमाइलोज, और दूसरा क्या होता है इसका? होता है बीटा एमाइलोज। अब ये क्या है हम देखते हैं, अल्फा एमाइलोज बीटा एमाइलोज हम क्यों बोल रहे हैं? हमने तो अभी बोला कि ये ग्लूकोज का बहुलक होता है, ग्लूकोज की मोनोमर इकाइयों से बना होता है। तो फिर ये अल्फा एमाइलोज बीटा एमाइलोज क्या है वो हम देखते हैं अभी। अल्फा एमाइलोज और बीटा एमाइलोज क्या है? अपने इतना इतना नोट कीजिए, जल्दी से मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्फा एमाइलोज और बीटा एमाइलोज क्या है। जी बिल्कुल, आपने सही पढ़ा है, ग्लूकोज से ही बनता है, लेकिन ये अल्फा और बीटा जो है वो ग्लूकोज ही होते हैं। अब देखते हैं क्या है ये ग्लूकोज से इनका रिलेशन, अल्फा और एमाइलोज बीटा एमाइलोज का। नोट कर लिया, मिटा दूं? सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा एमाइलोज क्या होता है ना। अल्फा एमाइलोज कुछ नहीं है, ये भी ग्लूकोज ही है, ये भी क्या है? ग्लूकोज ही है। ठीक है, ग्लूकोज दो तरह की फॉर्म्स बनाएगा, एक अल्फा एमाइलोज और एक बीटा एमाइलोज, ये भी ग्लूकोज ही है। और लेकिन ये जो अल्फा एमाइलोज पार्ट होता है ये केवल स्टार्च में 10-20% होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह है केवल, या फिर ये लिखें स्टार्च का केवल 10-20% भाग बनाता है, यानी स्टार्च जो होता है ओवरऑल उसका केवल 10-20% क्या होता है? अल्फा अमाइलोज। और अल्फा अमाइलोज है क्या? तो मैं लिख सकते हैं यह है अल्फा ग्लूकोज का रेखीय बहुलक है। क्या है? रेखीय बहुलक। बहुलक ही तो होगा, बहुत सारे मोनोमर यूनिट क्या होंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे। अब तक हम बहुलक ही तो देखते आए हैं, अब तक हमने डाइसेक्राइड्स पढ़े थे जिसमें दो यूनिट जुड़ी हुई थी, अब ये पॉलीसेक्राइड्स इसमें तो अनंत जुड़ते ही जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे, लंबी सी चेन बनती जाएगी। तो इसमें भी दो तरह की चेन होती है, एक अल्फा एमाइलोज और एक बीटा एमाइलोज। अल्फा एमाइलोज क्या होता है? यह ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का कैसा? रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक होता है, लीनियर, यानी कि ग्लूकोज लीनियरली लीनियरली क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे, है ना। और इसमें अगर हम बात करें कितने ग्लूकोज हो सकते हैं, तो इसमें 60 से 60,000, कितने? 60 से 60,000 तक ग्लूकोज ग्लूकोज की इकाइयां, देखो ग्लूकोज की इकाइयां उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो यह भी ग्लूकोज से ही बनता है। जब ग्लूकोज रेखीय लीनियर चेन बनाता है, यानी लीनियर नहीं जुड़ता जाता है, तो वो कहलाते हैं अल्फा अमाइलोज, है ना। इसमें क्या होता है? बीटा अमाइलोज भी होता है, या फिर अगर हम बनाएं, अगर हम अल्फा अमाइलोज की हावर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएं तो ऐसी होती है, तो अल्फा अमाइलोज की हावर्ड संरचना देखें तो आप, ये तो आप खुद भी बना सकते हैं। बोला ना कि ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज होना चाहिए? अल्फा ग्लूकोज। और आपस में क्या बनाते जाएंगे? चेन बनाते जाएंगे, है ना। तो ग्लूकोज बनाना तो हम जानते ही हैं, अब तक बनाते आ रहे हैं भाई। अल्फा होगा तो CH2H क्या होगा? अप होगा, और यहाँ पर जो OH होगा वो डाउन होगा, है ना। बाकी तो एज इट इज आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? जैसे कि आप जोड़ सकते हैं, फिर क्या आएगा यहाँ पर? HOH OHH, और फिर यहाँ पर HOH, यहाँ पर आएगा अप, और यहाँ पर H अगेन OH। ये है अल्फा ग्लूकोज। दूसरा भी क्या होगा इसी तरह से? अल्फा ग्लूकोज होगा, दूसरा भी क्या होगा? एक और अल्फा ग्लूकोज बना लो, यहाँ पर क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? बना लो पहले H OH H OH
OH, CH2, OH और ये H, ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। अब अभी भी ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। तो ये क्या करेंगे, ये पहली पोजीशन है और ये इसकी 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, कौन सी? 1, 4 ग्लाइकोसाइडिक बंद द्वारा जुड़ जाएगा, कौन सा? 1, 4। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी क्या होगा, आगे जुड़ता जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ N, है ना। इस तरह से ये चेन बनती जाएंगी, कम से कम 60 से लेकर 6000 तक ग्लूकोज इकाइयाँ इसी तरह लीनियरली जुड़ती जाएंगी, है ना। तो इसको बोलते हैं अल्फा एमाइलोज की संरचना। ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज के मिलने से क्या बनी है? अल्फा एमाइलोज बना। इस तरह से लंबी सी चेन बनती जाएगी। अब हम सारी तो नहीं बना सकते, 60,000 मॉलिक्यूल्स तो नहीं बना सकते, तो हमने दो को दिखा दिया। इस तरह से ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से होती है अल्फा एमाइलोज की संरचना। नोट कीजिए आप जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो अल्फा अमाइलोज में कौन सी लिंकेज हुई थी? 1, 4, है ना। ऐसे हम बीटा अमाइलोज देखते हैं। बीटा अमाइलोज भी क्या होता है? ठीक है, बीटा अमाइलोज देखते हैं। बीटा अमाइलोज, तो अगर उससे 10 से 20% भाग बनना, तो इसका मतलब 80 to 90% भाग किसका होगा? इसी का होगा। तो यह लिख सकते हैं, यह है स्टार्च का कितना बनाता है, 80 से 90% भाग बनाता है, 80 to 90% भाग बनाता है। अल्फा माइलोज में क्या था? ग्लूकोज ही थे, लेकिन कैसी? रेखीय श्रृंखला थी। तो यहाँ पर कैसी होगी? शाखित श्रृंखला होगी, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यह है अल्फा ग्लूकोज की किससे बनता है? शाखित, यानी कि ब्रांच्ड श्रृंखला होती है। यानी ग्लूकोज जुड़ेंगे, लेकिन कैसे? लीनियरली नहीं जुड़ेंगे, जैसे अल्माइलो जुड़ रहा था, लीनियरली जुड़ता जा रहा था, ऐसे नहीं जुड़ेंगे। क्या होगा? शाखाएं बन रही होंगी, और अगर शाखाएं बन रही होंगी तो लिंकेज एक तरह की तो नहीं हो सकती। अल्फा अमाइलोज में कौन सी लिंकेज थी? 1, 4 लिंकेज थी। और अब जब ये शाखाएं बना रहे हैं, तो इसमें सारी लिंकेज 1, 4 तो नहीं हो सकती, है ना। सारी लिंकेज 1, 4 तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर कैसी होती हैं? तो यहाँ पर दो तरह की लिंकेज देखने को मिलती है हमें, एक तो 1, 6 और एक 1, 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह 1, 6 या 1, 3 बंधन यानी लिंकेज द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि जो स्टार्च होगा, उसका जो मेन पार्ट होगा, वो बीटा अमाइलोज से बनता है, यानी ग्लूकोज की शाखित श्रृंखलाओं से बनता है, है ना। तो इस तरह से बीटा अमाइलोज होता है, ठीक है। लिख सक जल्दी लिखिए। अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो थोड़ी सी टफ बनेगी, है ना। टफ क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें दो तरह की लिंकेज होंगी, 1, 6 और 1, 3, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बीटा अमाइलोज की संरचना देखें कैसी होती है। तो ये कुछ ऐसा होगा, बीटा अमाइलोज की संरचना देखें, तो 6 मेंबर रिंग होती है ना, तो इस तरह से दो रिंग जुड़ी हुई होंगी। यहां पर इनके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे। ये सिंपल चेन स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सिंपल चेन स्ट्रक्चर है। यहां पर एन मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे, है ना। फिर ये क्या है? ये है 1 पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? ये है 1 पोजीशन, और दूसरे की क्या होनी चाहिए? 6 पोजीशन। तो कैसे बना सकते हैं हम इसको? ऐसे बना सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं।
यहाँ पर क्या होगा, CH2OH होता है ना, तो OH तो हट जाएगा, क्या रह जाएगा केवल CH2। तो इस तरह से ये कौन सी पोजीशन होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाली कौन सी है, 6। तो इस तरह से 1, 6 लिंकेज हो रही है, यहाँ पर कौन सी लिंकेज हो रही है, 1, 6 बंधन हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो रही है, 1, 6 बंधन या 1, 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो रही है, ठीक है इस तरह से। और ये भी किससे जुड़ा हुआ होगा, ये भी दूसरी यूनिट्स के साथ जुड़ा हुआ होगा है ना, इस तरह से बना लीजिए आप। यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर जो नॉर्मली ग्रुप लगते हैं वो लगे हुए होंगे है ना, जो नॉर्मली ग्रुप लगते हैं वो यहाँ पर लगे हुए होंगे। इस तरह से ये इधर भी क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन किसी से जुड़ा हुआ होगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ N। तो इस तरह से ही क्या होती है, शाखित श्रृंखला बनाती है। अब ये लीनियर चेन नहीं है, क्या है, शाखित श्रृंखला है। तो इस तरह से इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो थोड़ी सी जटिल होती है। आप ये इसको सिंपल रेखा चित्र है, ये क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन सूत्र नहीं है, ये हावर्थ नहीं है, इसका अगर हम हावर्थ बनाएंगे तो बहुत जटिल हो जाएगा है ना। तो ये क्या है, एक सिंपल संरचना है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है हमने कि इस तरह की लिंकेज उसमें होती है, ठीक है, नोट कीजिए। तो इस तरह से हमारे पॉलीसेकेराइड्स में जो स्टार्च है वो होता है। स्टार्च के बाद हमारे पास बचा सेल्यूलोज, नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्यूलोज को खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीडियोज में हम सेल्यूलोज को खत्म कर देंगे। अभी नोट कीजिए, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।